यूपी के महाराजगंज जनपद के थानी में सिंचाई विभाग के ठेकेदार द्वारा राप्ती नदी के बंधे पर पत्थर लगाने में मानकों के उल्लंघन का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सिंचाई विभाग के जेई का घेराव किया गया। इस मामले को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने न केवल ठेकेदार को घेरा बल्कि SDM फरिंदा को जिलाधिकारी के नाम से संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक थानी बाजार में खड़खड़िया पुल के समीप स्थानीय लोगों का छठ घाट है। छठ घाट की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने इसे बनाने वाले ठेकेदार से इसकी मरम्मत की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब छठ पर्व नज़दीक है, इसी मामले को लेकर नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन अभी बाढ़ आ जाने की वजह से काम धीमी हो गया था, अब छठ के बाद लेबर आएंगे और काम सीढ़ी बनाने का कराया जाएगा। तो ग्रामीणों का तो कहना है सर कि अभी चार दिन रह गया, आपने काम नहीं किया और वादा भी किया था काम करने। हमारे अभी हमारे उच्चाधिकारियों से भी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग इसको जो भी छठ घाट के लिए जो भी तैयारी अभी कर सकते हैं छठ के लिए वो हम लोग कल से करा देंगे और ये जो JCB लगाने का जो भी काम है जो कराया जा सकता है वो करा दिया जाएगा। उच्चाधिकारी किससे बात हुई आपकी? अभी हमारी किसी उच्चाधिकारी से बात नहीं हो पा रही है और अभी मैं बात करूंगा उनसे, जैसे ही बात होगी मैं यहाँ पे जो भी काम है मैं कल से कराना शुरू करा दूंगा। डायनामाइट न्यूज ने इस मामले पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए डायनामाइट न्यूज के साथ बातचीत में क्या बोले यहाँ के लोग। आज कई एक सालों से यहाँ की सम्मानित जनता जो है इस छठ घाट के लिए जो है लगातार लड़ाई लड़ रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग जो सब जनप्रतिनिधि मिलकर इस धानी की जनता की समस्या को लेकर छठ घाट का निर्माण पुनः कराने के लिए यहाँ JEE सिंचाई विभाग को हम लोग रोके हैं कि आप लोग लिखित आश्वासन दीजिए और इसको जल्द से जल्द इसका निर्माण कराने का काम करिए। निर्माण कराने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी नहीं जाने देंगे और आपको बंधक बनाकर यहाँ रखने का काम हम लोग करेंगे। लाखों जनता यहाँ स्नान करने आती है और छठ पूजा करने आती है। यहाँ पे पूर्वत में सीढ़ियों का निर्माण हुआ था एवं छठ घाट पूरी तरीके से मरम्मत था, लेकिन ड्रेनेज विभाग के द्वारा जो भी यहाँ ठोकर लगाने का काम हुआ उसमें इस घाट को पूरी तरीके से सीढ़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया है और उनके द्वारा ये आश्वासन मिला था उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा कि इसको हम छठ से पूर्व इसको पूर्ववत की भात इसको कर देंगे और घाट का पूरा सुंदरीकरण करा देंगे। राप्ती नदी घाट पर कई वर्षों से छठ घाट का पर्व मनाया जाता है। ये यहाँ पर हमारे थानी बाजार और आसपास क्षेत्र के जितने भी गांव हैं यहीं पर आकर छठ में मकर संक्रांति में आकर लोग कान स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। आज छठ की घाट की स्थिति यह है कि वहाँ पर काना में लोग जाने से कतरा रहे। आज सुबह सुबह दो लोग डूब जा रहे थे और एक पत्थर बोल्डर इसे गिरा हुआ है और सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। विभाग द्वारा 2-3 महीने पहले बताया गया था कि हम इसको जल्द से जल्द काम करा देंगे। ये सारा मामला सिंचाई विभाग के अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज जनता यहाँ परेशान है। ये केवल सिंचाई विभाग इसका प्रोजेक्ट बनाते समय इसको ध्यान में रखना चाहिए था कि यहाँ पर जो है घाट बना हुआ है इसको हम ब्लॉक करें या न करें उसके बावजूद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आज इसका नतीजा यह है कि 4 दिन की छठ का त्यौहार रह गया है, यहाँ महिलाएं पानी में खड़ी होती हैं और यहाँ खतरा होने की संभावना बनी हुई है। और वैसे भी त्यौहार के वजह से जो है तो है, इसके बावजूद भी यहाँ प्रतिदिन लोगों का नहाना धोना पूजा पाठ आदि नित्य क्रिया डेली लोग आते जाते हैं, कभी भी बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से छठ पर्व से पहले घाट की सीढ़ियों का मरम्मत कार्य पूरा करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।